आज, क्योंकि आज तक ऐसी होली कभी नहीं खेली है और बहुत ही अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। मैंने सभी के साथ ही सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे भी बहुत अच्छे से सभी सेलिब्रेट कर रही है और थैंक यू सो मच। हमारे शहीदों के परिवारों ने यहाँ पर आकर इन जवानों का मनोबल बढ़ाया, उसके साथ स्कूल के बच्चों ने, शहीद परिवारों ने और हमारे परिषद के सदस्यों ने सभी जवानों के साथ मिलकर होली का पर्व भी मनाया, क्योंकि होली है और इन जवानों को तिलक लगाया। शायद ये हज़ारों मील अपने घरों से दूर हैं, होली खेलते हुए इन जवानों को ये एहसास होगा कि बेशक हम अपने परिवार से दूर हैं लेकिन शहीद परिवारों ने, स्कूलों के बच्चों ने हमारे साथ होली खेल कर हमें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। और ये हमारे शहीदों के परिवार भी वर्दीधारी हमारे, मैं तो देवदूत कहूँगा, शौर्यवीर कहूँगा, जिन्होंने अपने देश की अपने देश पर अपने लाल देश पर अपने सुहाग कुर्बान कर दिए, इन्हें वर्दी में देखकर किसी को अपना भाई नज़र आता है, किसी को अपना बेटा नज़र आता है। सो उन परिवारों का मनोबल भी बहुत ऊंचा हुआ है। सो एक बार फिर मैं समूह देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। शहीद परिवार के लोग भी हमारे बीच में आए, जिससे कि हमारे जवानों के बीच में काफ़ी मनोबल उनका ऊँचा होता है इन परिवारों से मिल के। और इन बच्चों और शहीद परिवार के साथ हमारे जवान ने होली मनाई, जिससे उनका मनोबल भी काफ़ी ऊंचा रहता है। मैं इस सब के लिए इन परिवार, शहीद परिवार और बच्चों का सबका आभार प्रकट करता हूं। सभी देशवासियों को मैं होली के शुभ परिवार पे मैं उनका जो है अभिनंदन कर बधाई करता हूं। हमारे शहीदों के परिवारों ने यहाँ पर आकर इन जवानों का मनोबल बढ़ाया, उसके साथ स्कूल के बच्चों ने, शहीद परिवारों ने और हमारे परिषद के सदस्यों ने सभी जवानों के साथ मिलकर होली का पर्व भी मनाया, क्योंकि होली है और इन जवानों को तिलक लगाया। शायद ये हज़ारों मील अपने घरों से दूर हैं, होली खेलते हुए इन जवानों को ये एहसास होगा कि बेशक हम अपने परिवार से दूर हैं लेकिन शहीद परिवारों ने, स्कूलों के बच्चों ने हमारे साथ होली खेलकर हमें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। और ये हमारे शहीदों के परिवार भी वर्दीधारी हमारे, मैं तो देवदूत कहूँगा, शौर्यवीर कहूँगा, जिन्होंने अपने देश की अपने देश पर अपने लाल देश पर अपने सुहाग कुर्बान कर दिए, इन्हें वर्दी में देखकर किसी को अपना भाई नज़र आता है, किसी को अपना बेटा नज़र आता है। सो उन परिवारों का मनोबल भी बहुत ऊंचा हुआ है। सो एक बार फिर मैं समूह देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। शहीद परिवार के लोग भी हमारे बीच में आए, जिससे कि हमारे जवानों के बीच में काफ़ी मनोबल उनका ऊंचा होता है इन परिवारों से मिल के। और इन बच्चों और शहीद परिवार के साथ हमारे जवान ने होली मनाई, जिससे उनका मनोबल भी काफ़ी ऊंचा रहता है। मैं इस सब के लिए इन परिवार, शहीद परिवार और बच्चों का सबका आभार प्रकट करता हूं। सभी देशवासियों को मैं होली के शुभ परिवार पे मैं उनका जो है अभिनंदन कर बधाई करता हूं।